ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 23 मार्च 1968। सदैव कोई के गुण ही ग्रहण करना चाहिए, इसको कहा जाता है गुण ग्राहक। इसमें भी मुख्य गुण ग्रहण करना है, कौन सा? सहनशीलता। सर्व गुणों का राजा है और ऊंचे से ऊंचे बाप है, वो तो मीठा है, लवली अक्षर है ना, गॉड फादर कहना ठीक है। ईश्वर प्रभु भगवान से भी फादर अक्षर ठीक है। फादर है तो सिद्ध है, वर्षा जरूर देना होगा। और बेहद का रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही रचेंगे। और नई दुनिया है, इशारा किया त्रिमूर्ति के चित्र में बाईं ओर। नई दुनिया ये है, गॉड फादर जरूर गॉड गॉडेस ही बनावेंगे। गॉड गॉडेस कहा जाता है देवी देवताओं को, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो भगवान भगवान भगवती कैसे बनाते हैं? खुद यहाँ इस शक्ति में आते हैं, आ करके बनाते हैं। या कि आ करके ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना के चले जाते हैं, से अपने आप बनते रहते हैं। यहाँ आ करके गॉड फादर गॉड गॉडेस बनाते हैं, उनको कहा जाता है देवी देवता। वो गॉड की रचना है, गॉड गॉड इज, इसलिए उनको गॉड गॉड इज कहा जाता है। वास्तव में होते हैं देवी देवता है। माना गॉड गॉड इज ये वास्तविक शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि गॉड इज वन कहा जाता है, भगवान हमेशा एक ही होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, देवती देवी देवता घराने का जो ऊंच है उनको कहा जाता है महाराजा महारानी। कहते हैं मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूं। जिनको पवित्रता का ताज नहीं है वो जरूर पति की ही ठहरे। पवित्रता का ताज कैसा होता है? वो तो भक्ति मार्ग में देवताओं के चित्र बनाते हैं तो उनके चारों ओर लाइट दिखाते हैं। वो लाइट है प्योरिटी की लाइट। जितनी जाती प्योरिटी उतना वो आत्मा
लाइट स्वरूप बन जाते हैं। सूर्यवंशी है डबल सिरताज पावन, उनके मुकाबले चंद्रवंशी वैश्यवंशी या कोई भी डबल सिरताज नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पतित महाराजाओं का भी मैं महाराजा बनाता हूं, पतित महाराजाएं कहां होते हैं, पतित दुनिया में। उस पतित दुनिया में जो महाराजाएं होते हैं उनका भी महाराजा, पतित दुनिया के महाराजाएं भी उन पावन महाराजाओं के पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं। वास्तव में मुझे याद करने से तुम पावन बन करके लायक बनेंगे। इन देवी देवताओं को याद करने से पावन नहीं बनेंगे। ये भी जानते हो कि पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जितने जास्ती पुनर्जन्म उतने जास्ती पतित बनते जाते हैं। और धर्म वाले न जास्ती पुनर्जन्म लेते हैं न जास्ती पतित बनते हैं। जो जास्ती पुनर्जन्म लेते हैं वो जास्ती पतित भी बनते हैं। जो भी आते जाते हैं एडिशन होती जाती है। कहेंगे मैक्सिमम जन्म और मिनिमम जन्म। मैक्सिमम 84 जन्म है और मिनिमम एक जन्म। 84 लाख तो हो भी नहीं सकते। फिर ये 84 लाख कहां से निकला? 84 लाख योनियां होती हैं। आत्माएं 84 लाख योनियों में होती हैं, परंतु मनुष्य 84 जन्म लेता है, 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता है। तो मुख्य सबसे फर्स्ट क्लास चीज है बेहद के बाप को याद करना। तो अंत मत सुगति हो जाएगी जी। याद करते करते बाप के पास परम धाम पहुंच जाएगी। भक्ति करते हैं परम धाम जाने के लिए, परम धाम मुक्ति को भी कहेंगे, जीवन मुक्ति को भी कहेंगे। परे से परे धाम सुख धाम है ना, द्वापर कलयुग को तो परम धाम नहीं कहेंगे, वो परे से परे तो नहीं है, वहां तो रावण राज्य होता है। परम धाम है स्वर्ग, जहां सही स्थिति में रहते हैं। फिर है त्रेता, फिर होता है रावण राज्य। बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि याद से ही पाप करते हैं। जिस बाप को हम याद करते हैं वो बाप जहां याद है वहां पाप नहीं हो सकता, और जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम बेहद कवर कर देने के लिए। सतयुग आज से त्रेता अंत तक यह वर्षा चलता है, कौन सी बाप का वर्षा? रूहानी बाप का वर्षा। जो रूहों का बाप है
उसका वर्षा सतयुग आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक चलता है। फिर बाकी लौकिक दुनिया में तो हद का वर्षा तो मिलता है, हद का सुख नहीं मिलता है, मिलता तो है, फिर वो किससे मिलता है? और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में। संगम युग में जो आत्माओं का बाप है उससे तो सचिव त्रेता का वर्षा मिलता है, उसको कहेंगे बेहद बाप का, बेहद का वर्षा। वहां सुख का अंत तो होता ही नहीं, दुख बिल्कुल होता ही नहीं। फिर जो द्वापर युग में सुख मिलता है हद का, वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? क्या द्वापर युग में राजा नहीं हुए? राजाएं तो हुए, उन राजाओं ने राजाई का वर्षा कहाँ से पाया, किससे पाया? द्वापर युग में। और धर्म पिताएं तो आते हैं ना, वो राजाई का वर्षा देते हैं क्या? वो आते हैं तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजाई तो स्थापन करते ही नहीं, तो फिर राजाई का वर्षा कैसे देंगे? फिर राजाई का वर्षा और धर्मों में जो हुआ है, राजाएं हुए हैं, वो कैसे मिला? जरूर लौकिक बेहद का बाप भी है। एक तो होता है लौकिक में हर जन्म का हद का बाप, 63 जन्मों में 63 बाप, वो हद के कहेंगे बेहद के कहेंगे, वो हद के बाप है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को भी क्या कहेंगे? हद के बाप है। क्राइस्ट को कहेंगे 100, 150, 200 करोड़ जो भी क्रिश्चियंस हैं वो ही उसको बाप मानते हैं। लेकिन मनुष्य शक्ति का जो बेहद का बाप है वो लौकिक है या पारलौकिक है? पारलौकिक है। पारलौकिक बाप तो रूहानी बाप है, वो सदैव रूहों की दुनिया में रहता है। इस शक्ति पर भी आता है रूहानी बाप तो भी बुद्धि योग से कहाँ रहता है? ब्रह्मधाम में रहता है, रूहानी दुनिया में रहता है। देह में तो उसकी बुद्धि रमती नहीं है, तो सदाशिव है। लेकिन जो मनुष्य शक्ति का बाप है वो सदाशिव है क्या? नहीं, वो तो ऊंच से ऊंच भी चढ़ता है और नीच से नीच भी गिरता है। तो हद के बापों से हद का वर्षा मिलता है एक एक जन्म का, और बेहद का जो लौकिक बाप है प्रजापिता सारी मनुष्य शक्ति का बाप, उससे द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक जो भी जिस जिस धर्म की राजाइयां स्थापन हुई हैं उससे वर्षा मिलता है। धर्म पिताओं से नहीं मिलता है, उससे मिलता है बेहद के बाप से, वो हमारा है ग्रैंड फादर। धर्म पिताओं को ग्रेट फादर कहेंगे, परंतु प्रजापिता को क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। इसलिए लौकिक दुनिया में भी बाप का वर्षा कोई मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंड फादर का वर्षा जरूर मिलता है। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में लौकिक बाप का वर्षा कोई को मिले न मिले, लेकिन जो बेहद का ग्रैंड फादर है उसका वर्षा जरूर मिलता है। वहां सत्य को त्रेता में होते हैं मोहजीत राजा हैं। क्या सत्य को त्रेता में जो राजा होते हैं उनका अपने बच्चों में मोह जाता है क्या? मोहजीत राजा होते हैं। लेकिन द्वापर कलयुग में जो राजाएं होते हैं
वो मोहजीत होते हैं या मोहमय होते हैं? मान लो महात्मा बुद्ध आए, सिद्धार्थ में प्रवेश किए, सिद्धार्थ को जो जन्म देने वाला बाप था सुद्धोधन, उसको मोहजीत कहे? क्यों? उसने देश निकाला दे दिया बच्चे को, हाँ भले देश निकाला दे दिया, फिर भी अंदर से रग बनी रहती है कि मेरा बच्चा देश विदेश में जाकर के कितना नाम रोशन कर रहा है, आखिर है तो मेरे ही खून से पैदा हुआ, तो मोह की रग गई ना। वही मोह की रग जो है 200-400 वर्षों के बाद उस आत्मा को वहां जन्म देने के निमित्त बना देती। जैसे सिद्धार्थ का बाप सुद्धोधन की रग जाती है, वैसे ही सुद्धोधन का जो बाप हो ग्रैंडफादर, उसकी रग जावेगी या नहीं जावेगी? उसकी भी रग जावेगी। मेरा नाती है, मेरा नाती, हाँ उसकी भी, बिंदु सर उसकी भी रग जाती है। तो उनको मोह जीत राजा नहीं कहेंगे। मोह की रग जाने से भले इस जन्म में तो धर्म को फॉलो किया और धर्म का पक्ष लेकर के बच्चे को भी निकाल दिया, ग्रैंडसन को भी निकालने की परमिशन दे दी, लेकिन फिर भी अंदर अंदर कुछ न कुछ मोह का अंश बचा रहता है। 200-400 वर्षों के बाद वो दोनों ही आत्माएं बाप और ग्रैंडफादर कहाँ जन्म लेते हैं? जाकर उसी धर्म में, बौद्ध धर्म में जाकर जन्म लेते हैं। तो यहाँ मोह रहता है कहाँ? द्वापर कली की दुनिया में मोह रहता है, वहां क्यों नहीं मोह रहता? सतयुग त्रेता में मोह क्यों नहीं रहता? यहाँ क्यों मोह हो जाता है? आत्मा तो वो ही है, कारण क्या है? वहां आत्मा अभिमानी होते हैं, स्वर्ग में स्वयं स्थिति वाले होते हैं, ऐसा नरक की दुनिया में देह वाहन वाले बन जाते हैं, देह की स्मृति रह जाती है। तो देह की स्मृति देखो कितना सत्यानाश कर देती है, क्या धर्म अधर्म कुछ भी नहीं रह पाते। थोड़ी भी बात समझने से बेहद का सुख शांति मिलती, ये थोड़ी सी बात अगर बुद्धि में बैठी रहे तो बेहद की सुख शांति मिल जाती है, और ये थोड़ी सी बात बुद्धि में से निकल गई द्वापर कलयुग की राजाओं की बुद्धि में से क्या निकल गया? मैं आत्मा हूँ, ये बात बुद्धि से निकल गई। मैं देह हूँ, ये मेरी देह का बच्चा है, मेरी देह का खून है, वो खून की तरफ रंग चली गई। अगर मैं आत्मा हूँ ये समझते तो वो रंग जाती नहीं देहती। तो अभी वो बेहद की सुख शांति नहीं है, अभी फिर मिलनी है। किस हिसाब से? अपन को आत्मा समझने से, सत्य वो था अभी कलयुग है। क्या सत्ययुग? सत्ययुग क्यों था? सत्ययुग इसलिए था कि सत्य आत्मा की स्मृति रहती थी। अभी कलह कलेश का युग क्यों है? क्योंकि जो देह आसक्त है, देह और देह के पांच तत्व ये सत्य नहीं है, असत्य है, उनकी स्मृति रहती है। तो फिर ये लायक युग सतयुग बनने के लिए अभी ये संगम युग है। क्यों सतयुग बनने के लिए संगम युग क्यों चाहिए? क्योंकि देह जो देह असत्य है
उस असत्य देह में रहकर ही सत्य आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना है। सत्य असत्य बात कैसे आ गया? विनाशी है अविनाशी? हाँ, विनाशी, जो विनाशी है वो असत्य है। जैसे विदेश है, उनको क्या कहेंगे? जो भी विदेश है, अमेरिका है, लंदन है, अफ्रीका है, अरब देश है, इनको विनाशी खंड कहें या अविनाशी खंड कहें? विनाशी खंड है। विनाशी खंड है तो असत्य है या सत्य है? असत्य है तो विनाश हो गया। ना असते विद्यते भावो, गीता में जो श्लोक है उसका यही अर्थ है, जो सत्य है वो कभी खत्म नहीं होता, और जो असत्य है वो आज नहीं तो कल खलास हो जाएगा। तो दो चार बातें धारण हो जाए तो भी बेड़ा पार है। हिरैया बागवान भी उनको कहा जाता है। किनको? जो सत्य की रचना करने वाला सत्य बाप है उसको खिवैया भी कहा जाता है। काहे का खिवैया है? नाव का खिवैया है। नाव, नाव तो शरीर को कहा जाता है, तो क्या शरीर तो खिवैया है? आत्मा और आत्मा में बिठैया है शिव बाप, लेकिन आत्मा इस शरीर में बैठती है। तो जिस आत्मा में वो परमपिता परमात्मा बैठ पार्ट बजाता है, वो आत्मा भी शरीर की खिवैया बन जाती है। शरीर है नवैया स्थूल, और उसका खिवैया हुआ नहीं, आत्मा तो है लेकिन उस आत्मा में सुप्रीम सोल प्रवेश है, तब खिवैया है। अगर सुप्रीम सोल प्रवेश न हो तो 63 जन्मों में खिवैया हुई, खुद भी नरक में गोते खाती और दूसरी आत्माएं भी गोते खाती रहती। तो खिवैया बागवान उनको कहा जाता है, इनको नहीं। माना इस ब्रह्मा के तन को, इस तनधारी पार्टधारी आत्मा को खिवैया नहीं कहा जाता। इनकी आत्मा और इनका शरीर रूपी नवैया ये तो इसी दुनिया में डूब गई। डूब गई या पार चली गई? डूब गई। इनको खिवैया नहीं कहेंगे। किनों को खिवैया? उनको खिवैया कहा जाता। उनको माने किस तरह इशारा किया? अड़सठ की वाणी है, जो आने वाला पार्ट है, जिस आने वाले पार्ट में सुप्रीम सोल बाप भी पार्ट बजाते हैं और कृष्ण की सोल भी पार्ट बजाती है, उनको कहा जाता है बागवान अथवा खिवैया। वो है फूलों का बगीचा। माना सन 68 में जो बगीचा तैयार हुआ ब्राह्मणों का, उसको फूलों का बगीचा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? उस समय वो आत्मा ज्ञान नहीं ले रही थी क्या? है नहीं ले रही थी? मुरली नहीं सुनती थी क्या? भगवान की वाणी नहीं सुनती थी? सुनती थी फिर है? हाँ सुनती तो थी। भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना होता है, लेकिन समझना समझाना नहीं होता है। इसलिए बोला वो है फूलों का बगीचा। जो वर्तमान 68 में जो बगीचा था ब्राह्मणों का, उसको फूलों का बगीचा नहीं कहेंगे। और अभी भी, अभी वर्तमान संगम युग में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े बहुत साल हुए, 68 से लेकर के अब कितने साल हो गए? 39-40 साल हो गए। तो 39-40 साल पहले जो आत्माएं वहां थी और अब भी वहां मौजूद है, वो कांटे का पार्ट बजा रही है या फूलों का पार्ट बजा रही है? कांटों का पार्ट बजा रही है। तो वो है फूलों का बगीचा। माने
40 साल के बाद जो बगीचा तैयार होता है वो है फूलों का बगीचा, तो जरूर फूलों के बगीचे का बागवान भी होगा और शरीर रूपी नैयों को खिवाइया खेने वाला खिवैया बाप भी होगा। फिर रावण कांटों का जंगल देते हैं, क्या राम फूलों का बगीचा देता है जिसे राम राज्य कहा जाता है और रावण कांटों का जंगल देता है। रावण कांटों का जंगल देता है, राम फूलों का बगीचा देता है जिसे राम राज्य कहा जाता है, रावण कांटों का जंगल देता है। कांटे क्या करते हैं? दुख देते हैं। कौन से युग से? दो पर से, द्वापर। तो द्वापर से जो दुख पैदा होता है वहां राज्य किसका होता है? रावण का राज्य होता है। वास्तव में काम को जीतने से तुम 21 जन्म जगत जीत बनेंगे, बेहद के बाप का प्यार भी बेहद का है, बाप के अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। बाप का अंदर का प्यार रहता है, बेहद का प्यार है, बेहद का बाप सभी को बेहद का सुख देते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। सर्व की सदगति करते माने 500 700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सर्व की सदगति करते हैं, एक जन्म के लिए तो सर्व की सदगति जरूर होती, दुख हर करके और सुख देते हैं। जो बेहद का रूहानी बाप है वो हर आत्मा को हर रूह को उसका एक जन्म के लिए दुख हर लेते हैं और सुख देते हैं। हर आत्मा के लिए कैसे होगा? हर आत्मा, एक आत्मा, कोई भी आत्मा जो लास्ट में आएगी वो आधा समय सुख में रहेगी या नहीं रहेगी? जब प्रवेश करेगी दूसरे में, कोई कोई आत्मा तो दुख का टाइम में तो शरीर लेगा, भले दुख के टाइम में, तो आप कलयुग की दुनिया में क्या सुखी लोग नहीं होते हैं? ये देखा सुख क्या सुख है इस कलयुग की दुनिया में, औरों के मुकाबले टैली किया जाए तो सबसे जास्ती सुखी नजर आते हैं या नहीं आते हैं? उस हिसाब से बोला, तो बोला दुख हर कर तो सुख देते हैं, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करना चाहिए? ये है सहज पे सहज, सहज याद और सहज ज्ञान, बाकी सब बातों को भूल जाना चाहिए। बीती से बीती देखो, दुनिया ने जीती देखो, जो बीतता जाता है वो खत्म हो गया, खलास हो गया, उसको याद करने से कोई फायदा कोई फायदा नहीं और ये एक समस्या बन जाती है। समझना चाहिए ये दुनिया खलास हो गई, आप मुए मर गई दुनिया, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ये बीती हुई दुनिया हुई ना, पास्ट हो गई, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, बाकी दुनिया के लिए कलयुग अजु नहीं बीता है। अभी कुछ जो बचा हुआ है उसके लिए कहेंगे अभी नहीं बीता है, बाप कहते हैं बीती को बीती देखो, पुरानी दुनिया जीती नहीं देखो, क्या बीती है वो अभी सभी बता देते हैं। तुमने सुख भी बिताया और दुख भी बिताया, अभी फिर कहाँ चलना है? अभी सुखधाम चलना है,
ऊंचे ऊंचे बाप पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई भी ऊंची ही पढ़ावेंगे ना। बाकी रचना से वर्षा नहीं मिलता है क्या? रचयिता है एक और बाकी सब है रचना। जो ऊंचे से ऊंचे एक रचयिता है, उस रचयिता से वर्षा मिलना है। जो रचयिता ऊंचे से ऊंचे है वो निराकार है, बिंदु है या साकार है? रचयिता और रचना का संबंध जो है वो साकार का संबंध है या निराकार का संबंध है? साकार का संबंध होता है। निराकार तो आत्मा है और निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव है, वो आत्मा तो रची नहीं जाती, तो वहां रचना और रचयिता का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो रचयिता है एक और रचना है अनेक। हद का रचना तो हद का वर्षा, हद की रचना तो हद के हद का वर्षा, और बेहद की रचना तो बेहद का वर्षा। बाप आकर माया रावण की गुलामगिरी से छुड़ाते हैं, इसकी गुलामी से बचो, इसकी गुलामी से रावण की गुलामी से बचो। रावण पांच विकार और पांच प्रकृति के तत्व जिनके बंधन में आत्मा अभी बंधी हुई है, प्रकृति के पांच तत्वों से बने हुए शरीर के बंधन में आत्मा बंधी है ना, तो इन दसों के बंधन से आत्मा को छूटना है। इस समय सभी रावण के गुलाम हैं, ये पांच विकार और पांच प्रकृति के तत्व, इन दसों के सारी दुनिया गुलाम है। फिर बाप आकर उनको छोड़ाते हैं, जो इन दस के गुलामे में बंधे हुए हैं उनसे मुक्ति दिलाते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको इतना सॉल्वेंट विश्व का मालिक बनाया, फिर ये सभी कहाँ गवाया? कहाँ गवाया है? देह का सुख भोगते भोगते सब कुछ गवा दिया, तो अब क्या करें? देह और देह के जो भी संबंध हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनसे बुद्धियोग हटा देंगे तो फिर वही वर्षा टाइम हो जाएगा। नीचे उतरते उतरते तुम कितने इनसॉल्वेंट बन पड़े, 100% सॉल्वेंट से 100% इनसॉल्वेंट भिखारी बन पड़े। फिर बाप तुमको सॉल्वेंट बनाते, बाप ही संगम युग पर आकर जी की जगह इसकी स्थापन करते हैं क्या? और कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कर सके, क्या इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सके, ना उनकी राजधानी स्थापन करते हैं। और सिर्फ राजधानी स्थापन नहीं करते, सबकी सदगति करके जाते हैं। जो और धर्म स्थापक हैं वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, अरे कुछ भी नहीं करते, धर्म स्थापन नहीं करते, धर्म तो स्थापन करते हैं, लेकिन जो धर्म स्थापन करते हैं वो संपन्न स्टेज का धर्म नहीं होता, वो धर्म स्थापक कुछ भी नहीं जानते। मैंने जब आत्मा नहीं जानते, परमात्मा बाप को नहीं जानते, तो जैसे कुछ भी नहीं जानते, वो कोई गुरु नहीं है। गुरु किसको कहा जाता है?
गुरु उसे कहा जाता है जो सदगति करे, उनको गुरु नहीं कहेंगे, वो उनके आनंद के पीछे तो और आत्माएं जो आती हैं सबकी दुर्गति होती जाती है, सदगति होती है, दुर्गति होती जाती है। तो ये तो फालतू बढ़ाई दे दी है उनको गुरु मानकर, वो बाप ही ज्ञान का सागर है। कौन सा बाप? जो रूहों का बाप है वो ही ज्ञान का सागर है। ये कृष्ण तो ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। क्यों? कृष्ण की आत्मा भी आत्मा, और राम बाप जिसने आकर के सुप्रीम सोल देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन करते हैं, वो राम बाप भी आत्मा। फिर कृष्ण का सागर, कृष्ण की आत्मा सागर क्यों नहीं? राम के चोले में आकर के ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सागर के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? क्योंकि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा, वो बच्चा बुद्धि और वो सालिम बुद्धि, सगीर बुद्धि। बाप की बुद्धि सगीर होती है, बच्चे की बुद्धि सगीर होती है? बाप की बुद्धि सगीर होती है। इसलिए कृष्ण और सब ब्रह्मा के तन में आए बाप, तो बच्चे की बुद्धि कुछ भी चली नहीं। ज्ञान की बातों में ब्रह्मा की बुद्धि जितना सुना दिया उतना सुन लिया। पहले पहले सुना जरूर उन्होंने, लेकिन उससे आगे बुद्धि उनकी नहीं चली। इसलिए कहा कि कृष्ण बच्चा होता है, वो ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। मनन चिंतन मंथन उनका चला नहीं। इसलिए शास्त्रों में जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा को हिमालय राज कह दिया। पार्वती के बाप का नाम क्या रखा है? हिमालय। क्यों नाम रखा है सर? हिम माने बर्फ, आलय माने घर, माने उनकी बुद्धि रूपी आत्मा जैसे कि जाम रहती है। नदी में पानी बहता है, कब बहता है? अगर बर्फ की तरह जाम हो तो बहेगा नहीं। उनकी बुद्धि जामड़ी थी, सुन लिया और सुना लिया, और आगे बुद्धि में से नई बात कुछ भी नहीं निकली। तो कृष्ण ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। कृष्ण के भक्त तो कहेंगे मैं जिधर देखता हूँ उधर कृष्ण ही कृष्ण है। ये कैसे? उन्हें कृष्ण ही कृष्ण हर जगह क्यों दिखाई पड़ता है? राधे के भक्त कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे, उन्हें हर जगह राधे ही राधे क्यों दिखाई पड़ती है? सबने समय हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? यहाँ फाउंडेशन पड़ता है। कोई कहेंगे जिधर देखता हूँ राम ही राम, अंधेर नगरी है, सभी में ईश्वर ही ईश्वर है, कैसे हो सकता है? बाप कहते हैं अब मैं तुमको इतना ऊंच बनाता हूं, माया तुमको एकदम मैच चेक्स बनाई देती है, पागल बंदर। आसुरी संप्रदाय से हम तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूं, अभी फिर तुम देही अभिमानी बनो। इसके लिए मुझे बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। नहीं पावन बनने का रहस्य क्या बताया? है? याद। अच्छा हम रावण को याद करेंगे? याद तो है ना, क्यों नहीं बनेंगे पावन? इस एक ही बात को याद करने से क्यों हम पावन बनेंगे? हाँ क्या समझ के याद करें? वो रावण देह अभिमानी है, क्या देह अभिमानी है,
उसका देहवान कभी खलास होता ही नहीं। देहवान न खलास होने की वजह से हर द्वापर युग में ही आता है। ऐसे दिन शत्रुता में रावण आ जाएगा। कहाँ आता है? रावण में, देह की दुनिया में ही आता है। तो मुझ पावन बाप को याद करेंगे, मैं एवर प्योर हूँ और रावण एवर इम्प्योर है, मैं एवर प्योर हूँ, तो मेरी मत पर चलना पड़े। पवित्र बनना है, पवित्र बुद्धि आत्मा बनना है। बुद्धिमानी आत्मा, मन बुद्धि किसे कहते हैं? आत्मा को ही मन बुद्धि कहा जाता है। तो पवित्र मन बुद्धि रूपी आत्मा बनना है तो मुझे एवर प्योर बाप को याद करो। अच्छा बच्चों को गुड नाइट, नमस्ते। दूसरा रात्रि क्लास है 24 मार्च 1968। 20 से 20 देखो, क्या बीत गया तो खत्म हो गया। अभी उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है, और आगे बढ़ते रहो। जो भी पुरुषार्थ करके पूरा करेंगे, कहेंगे रामानुसार हुआ। तुम्हारी बुद्धि में हम कितने शुद्ध बन रहे हैं। यूं तो तुम्हारे जैसा पवित्र दुनिया में और कोई है ही नहीं। मनो तुम जैसे पवित्र देवताएं बनते हो, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे पवित्र कोई बनते नहीं है। तुम इस समय ईश्वर की संतान हो। वह ईश्वर की संतान नहीं है, यह ईश्वर की संतान नहीं है। कौन? ये ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं, वो ईश्वर की संतान नहीं है। और वो जो दूसरे दूसरे धर्म के हैं, वो भी ईश्वर की संतान नहीं है। लेकिन तुम माने जो सन्मुख बैठने वाले हो बाप के, वो ईश्वर की संतान हो। तो तुमको बहुत नशा रहता है क्या? हम किसकी संतान है? ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। कैसा शासन करने वाला है? जिससे अच्छा शासन और दुनिया में कोई करता ही नहीं। न किसी को डंडे मारता है, न किसी को थप्पड़ मारता है, सबको प्यार ही प्यार देता है। प्यार का सागर है। ऐसा शासन कोई दुनिया में कर सकेगा? जो भी राजाएं हुए हैं, जो भी शासक हुए हैं, वो दंड विधान करते हैं, तब शासन करते हैं। और ये कैसा शासक है? सब शासकों में ऐसा श्रेष्ठ शासन करने वाला है जो प्यार ही प्यार देता है, कभी किसी को दुत्कार देता ही नहीं। नहीं तो 70-71 साल होने जा रहे हैं और बाप पढ़ाई पढ़ाते ही रहते हैं, बार बार चिल्लाते ही रहते हैं, वही वही बातें, और बच्चे धारण ही नहीं करते हैं। फिर भी गुस्सा नहीं आता, प्यार ही प्यार बरसाते रहते हैं। तो इस समय तुम ईश्वर की संतान हो। न सत्युग में ईश्वर की संतान बनेंगे, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। श्रेष्ठ से शेष शासन करने वाला जो ईश्वर है, उसकी संतान तुम अभी संगम युग पर बनते हो। तो तुमको बहुत नशा रहता है। अरे हम किस ऊंचे उसकी संतान है? तुम नए विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे भी नहीं पुरानी दुनिया के मालिक बनते हो, तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। और तुम बहुत रायल हो। तुम्हारे जितना रायल इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम डायरेक्ट बाप के बच्चे हो ना। क्या उनके बीच में मीडिया होंगे, कोई ना कोई दूसरे, कोई के बीच में ब्रह्मा मीडिया होगा, कोई के बीच में इब्राहिम मीडिया होगा, कोई के बीच में क्राइस्ट मीडिया होगा,
और तुम डायरेक्ट बाप के बच्चे हो। जैसे बोला ना आत्मरूपी की सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। वो 70-75 साल से पढ़ाई पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट बाप उनको नहीं मिला। मिला भी तो किसके थ्रू? अम्मा के थ्रू। अम्मा के थ्रू माना ब्रह्मा के थ्रू मिला, लेकिन बाप डायरेक्ट नहीं मिला। और तुमको? तुमको डायरेक्ट बाप मिलता है। अभी तुम जानते हो बाप का वर्षा हमने लिया था, अभी फिर बाप आए हैं वर्षा देने के लिए। तो वर्षे की खुशी तुम्हारे दिमाग में रहती है कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं, ये हरदम याद रहे तो बड़ी भारी खुशी बनी रहे। सबसे रायल बच्चे हो और एक बाप के बच्चे हो क्या? ऐसे नहीं है कि तुम कन्वर्ट होने वाले हो, आज एक बाप को मानते हो कल फिर दूसरे को बाप बना लेंगे, परसों तीसरे को बाप बना लेंगे। नहीं, तुम एक बाप के बच्चे हो। अभी ब्रदरहुड तो कहते ही है भाई भाई, तो बाप से बरते का हकदार सभी है। बाप के बने तो सदैव नशे नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बच्चे जानते हैं हम पुरुषार्थ करेंगे कल्याण के लिए, रिजल्ट कल्याण के ही निकलते हैं। बस बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी आप इतर बनते हैं तो अपन को ही तो घाट डालते हैं। तुम व्यापारी हो, बाप को व्यापारी भी कहते हैं ना? क्या व्यापार करते हैं? कौड़ी लेते हैं और हीरा देते हैं। हीरा देते हैं? नहीं, हीरा माने हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी तुमको मिल जाता है माने हीरा देते हैं, और लेते क्या है? कौड़ी लेते हैं। तो बच्चों को बहुत नसीब रहना चाहिए। तुम ब्राह्मण कुल के हो ना, ये भी याद रहना चाहिए। ये चक्र है ही बायजोली का, यात्रा पर बायजोली खेलते खेलने के लिए जाते हैं। तुम्हारी बायजोली रूहानी है। ये सभी याद रहे कि हम ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो तुमको यहाँ जितनी खुशी है उतनी और कोई को नहीं है, है? जानते हो तुमको जितनी खुशी है उतनी और कोई को नहीं है, ये बुद्धि में रहता है, है? अभी रहता है? उस समय के लिए बताया जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित पक्के हो जाएंगे। आत्मिक स्थिति में पक्का स्थित होना माने परमात्मा बाप का बच्चा बनना। तो कंट्रास्ट कोई कर ही नहीं सकता तुम्हारे से, बहुत फर्क है। कोई भी दिल में गंदगी नहीं होनी चाहिए। सच्चे बाप के बच्चे भी सच्चे ही होंगे। बाप को क्या प्यारा है? सच्चाई प्यारी है। सचखंड की स्थापना करते हैं, झूठ खंड का विनाश करते हैं। कहते भी हैं सच्चे दिल पर साहबरा जी, श्रीमत पर चलते हैं तो साहब भी ऐसे श्रीमत पर चलने वालों को देख करके खुश हो जाते हैं। ऐसे सच्चे बच्चे बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं। याद करना चाहिए। अनुभव क्या बता रहे? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। सच्ची ही बोलते हैं, अंदर कोई शैतानी नहीं है। अंदर बाहर एक ऊपर रहते, इंद्रवत्स की कहानी है ना। समझना चाहिए हम किसके सामने बैठे। हा
हर हालत में उनकी मत पर ही चलना है, कैसे भी हालात हो जावे हमें एक की मत पर ही चलना है। बाप को याद करो तो तुम्हारा कचरा निकल जाएगा। कोई कोई में बहुत कचरा होता है, जिस कपड़े में जाति कचरा होता है तो ज्यादा साबुन डालना पड़ता है और ज्यादा पानी डालना पड़ता है। तो यहाँ भी ज्ञान का जल है, रुद्रमाला के जो मणके हैं वो ज्यादा गंदे हैं जन्म जन्मांतर के, कि विजयमाला के मणके ज्यादा गंदे हैं। तो पहले ज्ञान में कौन ज्यादा ज्ञान कौन सुनते हैं, रुद्रमाला के मणकों को ज्यादा ज्ञान की भी ज्ञान जल की भी ज्यादा जरूरत है। फिर उनको ही जाति लक्ष्य शोक भी चाहिए। लक्ष्य क्या है? नारायण। तो नारायण का जो सोप है, नारायण रूपी जो सोप है, जितना सोप घिसेंगे उतना पावन, उतना पावन बनेंगे। कपड़े पर साबुन घिसा जाता है तो कपड़ा शुद्ध बनता है। 68 में तो लाख साबुन नहीं निकला था। है 68 में लाख साबुन निकला था क्या? देखो जंगल कभी शेरों से खाली नहीं रहता है। एक शेर जाता है तो दूसरा शेर, भल पता नहीं था जैसे को, पता था या नहीं था? नहीं, पता नहीं था, बाद में पता चलता है। तो जिनको बाद में पता चलता है कि 68 में 69 में हमारे साथ यही बात था, तो उनको नशा भी करेंगे नहीं चलेगा, नशा भी करेगा। कोई कोई में बहुत कचरा होता है, फिर राजधानी में पद भी उनको कम हो जाता है। अगर कचरा साफ नहीं किया तो पढ़ाई तो एक ही है, परंतु फर्क देखो कितना हो जाता है। कोई कम ज्ञान जल लेते हैं, कोई ज्यादा ज्ञान जल धारण करते हैं, कोई की पढ़ाई कम और कोई की पढ़ाई ज्यादा, कोई राजा बनते हैं कोई रंग बनते हैं। सिर्फ वह है सुख की दुनिया और ये है दुख की दुनिया। कोई मत पर नहीं चलते हैं तो कल्प कल्पांतर का ऊंच पद गवाई देते हैं। ऊंच पद पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ किया जाता है। क्या जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं वो पुरुषार्थ करती है क्या? है वो तो संदेश लिया और ये चले भले, वो संदेश लेने वाले सत्युग में आ जाएंगे लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने के लिए किया जाता है। नाम ही क्या है? पुरुषार्थ। पुरुष माने आत्मा। किसके लिए किया? आत्मा के कल्याण के लिए किया। शरीर के भोग भोगने के लिए नहीं किया, रथ के लिए नहीं किया। जो रथ के लिए किया वो उसको कहते हैं स्वार्थ। क्या? और जो रथ के लिए नहीं किया, आत्मा के लिए किया। माने आत्मा का कनेक्शन अगले अनेक जन्मों से है और शरीर का कनेक्शन सिर्फ इसी जन्म से। तो इसी जन्म के लिए जो हम कर रहे हैं उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, और अगले जन्मों के लिए जो हम यहाँ कर रहे हैं इस जन्म में प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मान लो हमने ईश्वरीय सेवा में कुछ धन दिया तो उसकी प्राप्ति अगर यही मिल गई तो पुरुषार्थ नहीं है। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी किसी की सेवा करता है, बड़ा आदमी है, ज्ञान में चल पड़ेगा तो बड़े महल मानिया आटारियां दे देगा। तो यहाँ भोगने की इच्छा हुई ये अगले जन्म में, यहाँ का यही भोगने की इच्छा हो गई, यहाँ की यही प्राप्त कर लिया, उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ माने आत्मा से कनेक्टेड जो सुख है शांति है वो हमें लेना है, इस शरीर से कनेक्टेड सुख शांति लेने की इच्छा नहीं करना। बाप ने समझाया है, काम इच्छा पर बैठने से सांवरा बन गए हो,
काले तमो प्रधान किस हिसाब से बने? क्रोध करने से नहीं बने हो, लोभ मोह से काले नहीं बने हो, इस काम विकार से काले बने हो। अभी बाप गोरा बनाते हैं, रावण फिर काला बनाए देते हैं, बाप बार बार ज्ञान स्नान कराते हैं। जैसे गधा होता है बार बार स्नान कराया जाता है उसे, बार बार मिट्टी में लौट जाता है, तो रावण फिर तुमको काला बनाए देता है। शास्त्र में तो लड़ाई आदि क्या क्या बातें लिख दी, यहाँ कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है, यहाँ तो माया की लड़ाई है। शास्त्र तो सभी भक्ति मार्ग के, उन शास्त्रकारों का योग है ब्रह्म के साथ, और तुम्हारा योग है बाप के साथ, उनका ज्ञान भी शास्त्रों का है और तुम्हारा ज्ञान ज्ञान सागर बाप से आता है, तुम्हारा ज्ञान एक से आता है, उनका ज्ञान अनेकों शास्त्रकारों अनेक मनुष्य गुरुओं से आता है। वो शास्त्रों की अथॉरिटी है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में देखो कितना फर्क है। भक्ति एक से आती, भक्ति अनेकों से आती है, ज्ञान एक से आता है। तुम बच्चे भी पढ़ाई में नंबर वार हो। ये है गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल डालने से कब कोई मना नहीं करेंगे क्या? अगर हम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय डालें तो मना करेंगे, तुमने क्यों नाम डाला ये? स्पिरिचुअल डालेंगे तो कोई मना नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी और कोई की होती ही नहीं है क्या? स्पिरिचुअल, स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिचुअल माने आत्मा की यूनिवर्सिटी, और कोई की नहीं होती। तुम लड़ सकते हो इसके लिए कि हमारी रूहानी यूनिवर्सिटी है, तुमको कोई भी रोक नहीं सकेंगे। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज तो गॉड फादर के बगैर और कोई दे ही नहीं सकता है। किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं। गॉड फादर जो सदैव स्पिरिट ही है, वो कभी देह धारण ही नहीं करता, देह के जन्म में ही नहीं आता, वो ही स्पिरिचुअल ज्ञान दे सकते हैं। जो देह के बंधन में आ जाती है आत्माएं, वो स्पिरिचुअल ज्ञान दे ही नहीं सकते। आप इस संप्रदाय और दैवी संप्रदाय में देखो कितना अंतर है। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, वो है तमो प्रधान आत्मी संप्रदाय, सत्व प्रधान होते हैं सत्युग में, परंतु अभी मनुष्य तुम्हारी बात को मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि तुम जो समझाने वाले हो वो तुम्हारी आत्मा खुद ही अभी तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान दूसरों को तमो प्रधान ही बना देगा। पहले आत्म की स्थिति धारण करनी चाहिए। ये बड़े बड़े जो शेर हैं वो पीछे आवेंगे। क्या कहा? अभी जो निकल रहे हैं ये बड़े बड़े शेर नहीं निकल रहे हैं, आगे चल के ज्ञान की दहाड़ मारने वाले बड़े बड़े शेर निकलेंगे, अभी नहीं निकलते। बाप तो गरीब रिवाज है, बाप को न जानने के कारण कितनी गालियां देते हैं, कितनी ग्लानी करते हैं। तुम भी शामिल थे ग्लानी करने में क्या? बाप को सर्वव्यापी कहते थे ना, कितनी निंदा करते थे, अपकार करते थे। हम फिर उपकार करता हूं, ये है निष्काम सेवा। क्या निष्काम सेवा किसे कहते हैं? कोई उपकार करे चाहे अपकार करे, लेकिन हमें तो सेवा करनी ही करनी है। बिच्छू का काम है डंक मारना और साधु का काम है
उसको मरने से बचाना। एक भी मनुष्य नहीं है जो निष्काम सेवा कर सके। क्यों? चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, दुनिया में ऐसा एक भी नहीं है जो निष्कामी हो। क्यों? देह है तो देह अभिमानी होने के कारण देह के लिए आकर्षण जाता है बुद्धि का। आत्मा अभिमानी पूरे बन जाए तो देह का आकर्षण रहेगा नहीं। तो मनुष्य एक भी नहीं है जो निष्काम सेवाधारी हो। सबको कामना है। बाप कहते हैं अभी क्या बनो? इच्छा मात्र अविद्या बनना है। तुमको ताज व तख्त देकर के मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। कब? जब तुम निष्काम सेवाधारी बनेंगे, इस देह देह के देह रूपी रथ के लिए कुछ भी प्राप्ति करने की इच्छा नहीं रहेगी तो मैं तुमको ताज देकर के वापस चला जाऊंगा, वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। वानप्रस्थ में चला जाना माने अभी मैं वाणी में आता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ, फिर बोलना बंद हो जाएगा। वाणी से परा चला परे चला जाऊंगा, ये भी निष्काम सेवा होगी। क्या वाणी में आते हैं फिर वाणी से परे चले जाते हैं? वाणी से परे चले जाने के बावजूद भी फिर तुम्हारी निष्काम सेवा है? निष्काम सेवा करने वाला एक ही बाप है। तुम हॉस्पिटल में डॉक्टरों रोगियों को भी समझा सकते हो कि एक बाप ही है निष्काम सेवाधारी, बाकी सबको कुछ न कुछ रथ है तो स्वार्थ जरूर रहता है। हमारे पास ऐसी अविनाशी ब्यूटी है जो कि तक तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये वटीकरण मंत्र देने से तुम बहुतों को कल्याण कर सकते हो। इसको सर्विस कहा जाता है। रोगी बहुत दुखी होते हैं, बोलो हम ऐसा मंत्र देते हैं जो तुम जन जन मंत्र लिए निरोगी सदा सुखी बन जाओगे तो तुम कल्याणकारी हो। आधा कल्प के लिए तुम पद्मा पद्मपति बनते हो। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। हम सब